हे गाइस, तो आप लोग भी ऐसा यूट्यूब का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो अपने फोन के अंदर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन शादाब टेक, आपने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और ये है यूट्यूब चैनल शादाब टेक का, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जो है ट्रिक्स और टिप्स बताए गए इंस्टाग्राम का है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे और भी सारे ट्रिक्स है, जैसे कि आप लाइक्स सब ले सकते हो। तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ से गाइस हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले फ़ोटो बैकग्राउंड जो है वो इरेज करना है हमें। तो अगर आप लोग को पता नहीं है कि बैकग्राउंड इरेज एकदम कैसे करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं परफेक्टली इरेज कर रहा हूँ, तो ये आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, हाउ आई इरेज माई बैकग्राउंड, हाउ टू क्रॉप। तो ये आप लोग इरेज कर सकते हो, बैकग्राउंड एकदम प्रॉपर देख सकते हो। तो ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो भी जाके पहले देख लेना गाइस, तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 4x5 के वाइट ब्लैंक बैकग्राउंड से। यहाँ पे आप लोग 4x5 का जो फ्रेम साइज़ है वो देख सकते हो। इसको आप लोग को करना है पिक्सआर्ट के अंदर शेयर, और जैसे ही आप लोग पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लोगे पिक्सआर्ट ओपन हो जाएगा। सिंपली चले जाना है आप लोग को ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप लोग को एक एम्प्टी लेयर ऑन करना है, यहाँ से ऐड फोटो कर लेना है एम्प्टी लेयर से। फिर यहाँ से जो आपने फ़ोटो इरेज किया रहेगा जो बैकग्राउंड, वो आप लोगों को कुछ इस हिसाब से खिंचा के और ऐसा बिठा लेना है, यानी कि बीचों बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो उसमें यूट्यूब का लोगो ऐड करने वाले। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है जो बैठे हुए पोज मैंने निकाला था, और यहाँ पे मैंने कुछ इस हिसाब से इसको सेट कर लिया है। तो मेक श्योर आप लोग ध्यान रखना कि हाथ वैसे पकड़े रहना है, और एक आपको एम्प्टी लेयर नीचे रख के यहाँ से ऐड फोटो करना है। ये जो यूट्यूब का लोगो है ये आप लोगों को कुछ इस हिसाब से बिठा लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है YouTube का जो लोगो है वो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हाथ जो है वो प्रॉपर है नहीं, तो उसमें आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मतलब मैं जो है थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करके जो है हाथ एकदम प्रॉपर बिठाने के तरीके में था। अभी और एक आप लोग को एम्प्टी लेयर नीचे लेना है। नीचे लेने के बाद जो है ब्रश का जो साइज़ है वो आप लोग को 20 ले लेना है। जैसे कि आप लोग ले लोगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है हल्का हल्का करके ना शेडो ऐड करते हुए चले जाना है। तो शेडो ऐड करते के टाइम आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कैसे शेडो ऐड कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग को स्टेप बाय स्टेप शेडो ऐड करते हुए चले जाना है। वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, आप लोग को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने जो है शेडो ऐड करते हुए चले जा रहा हूँ। तो ये जो एक पोर्शन जो है यहाँ का जो साइड का है, यहाँ पे भी आप लोग को जो है सिंपली जो है शेडो ऐड करते हुए चले जाना है। ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं है, हल्का हल्का आप लोग को जस्ट पेंट करते हुए चले जाना है, ताकि जो है ये शेडो एकदम ऐड हो जाए। अभी मैं जो है हाथ की तरफ से भी जो है शेडो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का दिखाना है, यानी कि थोड़ा उसमें ध्यान रखना है। और ये जो जितने भी आपके जो यहाँ पे गैप रहेंगे उंगली के बीचों बीच में, वहाँ पे एकदम आप लोग को डार्क करके फिल कर देना है, ताकि जो फ़ोटो है एकदम डार्क लगे। जैसे कि आप लोग ने पकड़ा हुआ हो तो वहाँ पे जो पोर्शन रहता है वो काफ़ी डार्क हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये डार्क हो जाएगा, आप लोग जैसे कि देख रहे हो मैं हाथ की तरफ से काफ़ी मतलब आराम आराम से पेंट कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि मतलब शेडो एकदम क्रिएट हो चुका है। अब ये इसको लेयर को मैं मर्ज कर लेता हूँ यूट्यूब के लोगों के साथ। अब यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हो डन हो गया। अब मैं और एक लेयर नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से लेयर को कॉपी कर रहा हूँ यूट्यूब के लोगों को। अब ये जो है मैंने एक लेयर बीच में एक एम्प्टी जो लिया हुआ है, इसको जो है ऊपर वाले यूट्यूब के लोगों को मैं ओवरले कर देता हूँ। अब यहाँ से जो मैं बीच वाला जो लेयर खाली था उसमें से मैंने ऐड फोटो करके ये जो रेड वाली लेंस फ्लेयर आप लोग देख सकते हो उसको मैं ब्लेंड करके स्क्रीन कर लेता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो कि यूट्यूब का जो लोगो है उसमें जो है नियॉन टाइप का जो है कलर ग्लो इफेक्ट आ चुका है। तो नियॉन अगर आप लोग को इफेक्ट बनाना रहेगा तो आप लोग ऐसे टाइप का बना सकते हो, इसमें ज़्यादा आप लोग को मेहनत नहीं है, बस जो है लेयर का खेल है इसमें। अभी आप लोग देख सकते हो यूट्यूब का जो लोगो है नीचे वो एकदम ग्लो करने लगा हुआ है, और जो शेडो जो दिख रही थी हम लोग ने जो ऐड की थी वो काफ़ी रियलिस्टिक सा लग रहा है। तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ से जो है और एक आप लोग को एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग ने एम्प्टी लेयर क्रिएट किया वो एकदम आप लोग को नीचे ले लेना है वाइट बैकग्राउंड के यानी कि ऊपर। यहाँ से जो है फोटो लेयर से हम लोग एम्प्टी लेयर से ऐड कर लेंगे। अब ये जो बैकग्राउंड है आप लोग देख सकते हो डार्क ग्रे जो है, यहाँ से जो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यानी कि जो है पूरा बैकग्राउंड मैं फिल कर दूँगा इसको। फिल करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ डार्क टाइप का बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, और ये हम लोग को प्लेन बैकग्राउंड इसके लिए रखना पड़ा क्योंकि ये यूट्यूब के लिए, तो इसमें ज़्यादा हम लोग को
कचरा नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने ऐड कर लिया। अब ये जो है लेंस फ्लेयर को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि जो है यूट्यूब के अंदर ही रहे ज़्यादा। ये जो ग्लोइंग जो देख सकते हो बैकग्राउंड में आउट हो रहा था, वो बैकग्राउंड पे तरफ फेड और आउट होना नहीं चाहिए। तो अभी ये जितने भी सारे जो पोर्शन है जो आप लोग देख सकते हो यूट्यूब का जो लोगो पे है, यहाँ पे से काफ़ी सारे बाहर निकले हुए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। यानी कि मेरे को फेड वाला ब्रश लेना है, बड़ा करके मैं इसको जो है इरेज कर लेता हूँ। तो वीडियो का यहाँ से मैं स्किप कर लेता हूँ, मैंने आधा डन कर दिया। अब यहाँ से जो है मैं जितने भी सारे जो मैंने लेयर्स ऐड किए थे, मैं बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक और एक एम्प्टी लेयर क्रिएट किया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो मैं पहले इसको ऊपर की तरफ से सेट कर लेता हूँ। अभी ये जो है एम्प्टी लेयर मैं ऊपर की तरफ रख लेता हूँ। अभी यहाँ से जो है मेरे को यूट्यूब का जो लोगो है, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब का जो लोगो है, उसके तरफ से भी जो है हम लोग को पीछे शैडो ऐड करना है। तो मैं यहाँ से 40 का जो साइज़ ले लिया हूँ और ऑपेसिटी 7% लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है मैं हल्का हल्का पेंट कर लेता हूँ यहाँ पे भी, यूट्यूब का आप लोग जो है उसमें हम लोग लोगो ऐड करने वाले, क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ चिपका रहेगा तो मॉडल कैसे बैठेगा। तो उसके लिए हम लोग को जो है यूट्यूब के लोगों को 3D इफेक्ट देना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो है पेंट करके रेडी कर दिया है। अब ये जितने भी सारे जो लेयर्स थे, मैं उसको नीचे की तरफ से बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेता हूँ। नीचे की साइड से ही आप लोग मर्ज करना, ऊपर की तरफ से मर्ज मत करना। अब मैंने पूरा मर्ज कर लिया। अभी आई बटन से मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं 3 डॉट से इमेज को सेव कर लेता हूँ। तो आप लोग को जो ये बैकग्राउंड को जो एडिट मैंने किया है वो पूरा, वो आप लोग को इजीली मिल जाएगा। वो आप लोग डायरेक्ट इजीली बिठा के शैडो ऐड करके एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने सारे फ़ोटोज़ को मर्ज कर लिया और एक मैंने एक एम्प्टी लेयर बना लिया है। यहाँ से मैं ऐड फोटो कर लेता हूँ। ऐड फोटो करने के बाद जो है ये एक फेड वाली शैडो है जो नीचे की तरफ से आप लोग को ऐड करना है। यानी कि अब अगर आप लोग बाहर आउटडोर पर खिंचा रहे हो तो आप लोगों को मालूम ही रहेगा आपका जो शूज़ है वो काफ़ी ब्राइट दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डार्क दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे से फेड वाला ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि नीचे की साइड से पूरा प्लेन बैकग्राउंड है। तो जैसे कि मैंने उसको भी मर्ज करके एम्प्टी लेयर से और एक ऐड फोटो किया है। अब ये जो मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है शादाब टेक का चैनल का, तो आप लोग चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना, आप लोग को काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाएंगे। तो ये वाला जो है मैंने इतना सा क्रॉप करके ले लिया है, मुझे जो इतना पोर्शन चाहिए था। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ से मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ से मैं ब्लेंड करके लाइटन कर देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट हो गया है। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो मैं डार्क मोड करके फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया था, तो आप लोग भी डार्क मोड से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से उसको भी मैंने मर्ज कर लिया। अभी एक एम्प्टी लेयर ऐड करके मैंने ऐड फोटो किया है। अभी आप लोग देख सकते हो जो ग्लोइंग ग्लिटर है इसकी PNG मैं यहाँ पे स्क्रीन कर लेता हूँ ब्लेंड करके, और ये ऊपर की तरफ से सेट कर लेता हूँ ताकि जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा खाली खाली सा ना लगे। और यहाँ पे ग्लिटर की इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसको यहाँ पे डन कर देता हूँ, क्योंकि जो ग्लिटर की इफ़ेक्ट है काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने इसको डन कर लिया है। अब ये फ़ोटो हो चुका है रेडी, तो इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करके यहाँ से 3 डॉट से इमेज को सेव कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि फ़ोटो पे और हमें यहाँ पे कुछ काम करना है नहीं। तो यहाँ से मैंने सेव इमेज कर लिया। एक बार हम लोग गैलरी में रिव्यू देख सकते हैं गाइस, इसकी फ़ोटो काफ़ी बढ़िया बनी हुई है और यूट्यूब का जो शेडो है काफ़ी रियलिस्टिक सा लग रहा है। तो इसको करना है गाइस हम लोग को लाइटरूम के अंदर शेयर, क्योंकि लाइटरूम के अंदर हम लोग को कलर टोन चढ़ाना है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मैं जो है बेसिक जो है होती है जो कलर ग्रेडिंग होती है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं। तो इसमें से मैं जो है कुछ प्रीसेट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो आर्टिस्टिक 03 मैंने लिया है। 74% मैंने जो उसका रेडियस होता है वो मैंने सेलेक्ट करके ले लिया है। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग को फ़ोटो में बनाने के लिए पहले जो है कलर टोन काफ़ी मैच करना पड़ता है, वरना फ़ोटो आप लोग कितना भी पिक्सआर्ट के अंदर एडिट कर लो बट आपका अगर कलर ग्रेड एकदम प्रॉपर नहीं रहेगा तो फ़ोटो काफ़ी नकली सा लगने लगता है। तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, जो बेसिक एडजस्टमेंट होती है अपने फ़ोटो के हिसाब से, तो ये आप लोग को करना ज़रूरी है। तो वीडियो को गाइस पूरा एंड तक देखना, जैसे भी बेसिक सेटिंग्स हो रही है मैं जो ऐड कर रहा हूँ वो आप लोग को करते रहना है। यहाँ पे मैं देख सकते हो कि टिंट को थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है, और जो टेम्परेचर होती है टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे कुछ ना किया नहीं है। और यहाँ पे जो वाइब्रेंस है सैचुरेशन से ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो कि कलर ग्रेड है, तो इसमें हम लोग को उतना करने का यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो कलर टोन गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैं कलर टोन कितना क्या यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। जितने जो कलर्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो स्किन टोन होता है स्किन टोन को आप लोग छेड़ सकते हो, अदरवाइज आपने जो कपड़ा पहना है उसकी कलर टोन को आप लोग ह्यू को चेंज कर सकते हो, सैचुरेशन को चेंज कर सकते हो, ल्यूमिनेंस को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज जो कलर टोन इसमें है नहीं तो वो कलर को आपको छेड़ के यूजेबल नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लू टाइप का कोई इफेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ब्लू का यूज़ करने वाले हैं नहीं।
यहाँ पे जो इमेज की क्लैरिटी होती है उसको मैंने 20% रख लिया है। जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा कि मैं जो इमेज की क्लैरिटी होती है और इमेज की जो शार्पनिंग होती है वो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, हमेशा हर फोटो में मैं यूज़ करता हूँ, ताकि जो फ़ोटो की जो डिटेलिंग है वो काफ़ी डिटेलिंग दिखे। इसमें आप लोग को वैगनेट का इफेक्ट भी काफ़ी यूज़ करना है, ताकि जो वैगनेट का इफेक्ट है उसमें काफ़ी रियलिस्टिक सा लगने लगता है, तो आप लोग वैगनेट का इफेक्ट यूज़ करना है इसमें। और ये जो शार्पनिंग है ये आप लोग को 20-30 के बीच में रख लेना है, ताकि जो फ़ोटो है वो रियलिस्टिक टाइप का दिखने लगे। ठीक है, तो यहाँ से जो मैं रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ नॉइज़ है नहीं लेंस का, फिर भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इमेज को कर लेते हैं सेव। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आओगी। अगर वीडियो समझ में आओगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते गाइस नेक्स्ट।